बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 21, चैप्टर नंबर 17 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, एंड इट इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हियर आर पेजेस 59 to 61। वी विल डिस्कस दीज पेजेस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो टुडेज लेक्चर पॉइंट्स, वी विल डिस्कस नर्वस कोऑर्डिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, न्यूरॉन्स, एंड लास्टली वी विल डिस्कस रिफ्लेक्स आर्क, एंड देन वी विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन इन्वॉल्व है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन मुमकिन हो सकती है। बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है जो न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। न्यूरॉन्स बेसिकली ये सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और वो ऑर्गन्स को भी लिंक्ड कर रहे होते हैं, और ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ लिंक्ड करते हैं, और इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें वो सेल्स ये ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं जो कोई भी बाहर से आने वाला कोई स्टिमुलस रिसीव करेंगे, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और उनको उनके साथ जोड़ेंगे जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब एक्शंस करते हैं, जिनको हम इफेक्टर्स का नाम देते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर। हम बारी बारी इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये रिसेप्टर्स वो चेंजेस जो बाहर के एनवायरनमेंट में आती हैं या अंदर के एनवायरनमेंट में आती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं बाहर से या अंदर से आने वाला स्टिमुलस। ये रिसेप्टर सेल भी हो सकता है, मतलब न्यूरॉन भी हो सकती है, न्यूरॉन सेल भी हो सकता है, या न्यूरॉन सेल की कोई एंडिंग हो सकती है, या कोई भी पूरा ऑर्गन भी जो है वो भी रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस दे रिसीव। सबसे पहले कीमो रिसेप्टर्स हैं। कीमो रिसेप्टर्स ये वो रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और इसमें ज़ुबान के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी कीमो रिसेप्टर्स में आते हैं जो टेस्ट को रिसीव करते हैं। इसी तरीके से नोज़ के अंदर जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो स्मेल को सेंस करती हैं, तो वो भी कीमो रिसेप्टर्स में आएंगे। और इसके अलावा जो ब्रेन है उसके अंदर हाइपोथैलेमस में भी ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से बाकी मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के रिसेप्टर्स भी ब्रेन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज़ मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेशर या टच के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसके अलावा हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम को भी बैलेंस रखते हैं बॉडी के अंदर, और इसके लिए डिफरेंट एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, एक्सपेंडेड लिप्स एंडिंग्स एंड स्ट्रे एंडिंग्स, जो हम आगे जाके नर्व एंडिंग्स देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं, और इन्होंने लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करना है, और ये आइज़ में मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट इज थर्मोरिसेप्टर्स रिसीव करेंगे कोल्ड का या वार्म का स्टिमुलस, और ये जो हैं इनके लिए जो नर्व एंडिंग्स हैं वो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। इसके अलावा नोसाई रिसेप्टर्स हैं जो अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स हैं और जो सेंसेशन ऑफ पेन के स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। नेक्स्ट इज़ द मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन। जितनी भी सेंसेशन हम फील करते हैं, चाहे वो पेन की है, टच की है, साइट की है या साउंड की है, तो ये सारी जो सेंसेस हैं इनको मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन का नाम भी दिया जाता है। जो हमारी सिक्स सेंसेस हैं इसी इनको हम मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन का भी नाम देते हैं। लेकिन जैसे कि देखा गया है डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं सेंसेशन की, लाइट की अलग है, पेन की अलग है, टच की अलग है, साउंड की अलग है, लेकिन ये जो सेंसेशन है ये तमाम की तमाम हमारी ब्रेन को मिल रही होती हैं। हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हम तक पहुंच कैसे रही होती हैं? नर्व फाइबर्स के थ्रू, और नर्व फाइबर्स इन पैगामात को, जो ये सेंसेस हैं, इनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते कैसे हैं? इम्पल्सेस के ज़रिए। तो जो पहुँचाने वाला है, मतलब जो नर्व फाइबर्स हैं, वो तो हर एक के लिए सेम हैं, और वो जिसके ज़रिए इन सेंसेशन को हम तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचा रही हैं, वो इम्पल्सेस हैं। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन डिफरेंट हैं और इनको नर्व फाइबर्स इम्पल्सेस के ज़रिए हमारी बॉडी तक, हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रही है,
तो ये कैसे पॉसिबल है कि डिफरेंट नर्व फाइबर जो हैं वो डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन को ट्रांसमिट करें, मतलब ये डिफरेंशिएशन कैसे हो जाती है, नर्व फाइबर्स भी वही हैं, मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन डिफरेंट हैं और हमें जो सेंसेशन फील हो रही हैं वो कैसे डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर ये है कि हर जो नर्व फाइबर या नर्व ट्रैक है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक ख़ास टाइप की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो जो नर्व ट्रैक है वो एक ख़ास फील्ड में जाकर, मतलब एक ख़ास एरिया में ब्रेन के जाकर अपना पैगाम देता है। हाँ, जैसे टच का स्टिमुलस जो है वो नर्व इम्पल्स तो लेकर आएंगी, लेकिन वो कौन से हिस्से में लेकर आएंगी, वो हिस्सा जो टच के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बना है। ठीक है, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है एक ब्रेन दिखाया गया और उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स से शो हुआ हुआ है, ये वो एरियाज़ हैं जो डिफरेंट फील्ड्स के हैं और वो डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब टच का जो येलो कलर से शो हो रहा है, यहाँ पर वो नर्व फाइबर आएंगी जो टच के स्टिमुलस को लेकर आएंगी। इसी तरीके से टेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर वो नर्व फाइबर आएंगी जो टेस्ट के स्टिमुलस को लेकर आएंगी। इसी तरीके से विजन का जो एरिया है वहाँ पर वो नर्व फाइबर्स आएंगी जो लाइट के या जो रॉड्स और कोन से जो आ रही हैं नर्व इम्पल्सेस उनको लेकर आएंगी। इसी तरीके से हेयरिंग का भी यही है, और इसी तरीके से जो स्मेल का जो एरिया है वो सिग्नल्स रिसीव करेगा जो नोज से आ रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रेन के अंदर ये पार्ट्स डिफरेंशिएट हुए हुए हैं और हर पार्ट के ज़िम्मे हर नर्व फाइबर से आने वाले को कंट्रोल करना है और उसी की सेंसेशन को प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा जो रिसेप्टर ऑर्गन है, हर रिसेप्टर ऑर्गन हर स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बना है। ठीक है, जैसे जो नोज़ है वो स्मेल को रिसीव करती है, इसी तरह टेस्ट जो हैं, टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो टेस्ट के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसी तरह से जो आइज़ हैं वो लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हर ऑर्गन, हर रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड हुआ है टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, और फिर उस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाना ये उसके ज़िम्मे है। तो इस तरीके से डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं बाय द सेम नर्व फाइबर्स एंड सेम नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट है सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन, और इसमें हम उन नर्व एंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो टच के स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर्स, हेयर एंड ऑर्गन रिसीव टच स्टिमुलस। तो आपको जैसे कि डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ये जो नर्व्स दिखाई गई हैं ये बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, क्योंकि इनकी जो एंडिंग्स हैं उनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, कोई नॉब नहीं है, इस वजह से इनको फ्री नर्व एंडिंग का नाम दिया जाता है, और इस तरीके से ये टच के स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। नेक्स्ट इज़ मेसनर कॉर्पसल्स, ये इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं, मतलब इनकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो कैप्सूल से कवर हुई हुई होती हैं, इस वजह से इसको इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स कहते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, जो फिंगर टिप्स हैं, ये फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद हैं और रिजेस में मौजूद होती हैं। रिजेस एंड फरोज के अंदर आपको ये नज़र आ रही होंगे मेसनर कॉर्पसल्स। डायग्राम जैसे कि आपको साथ में दिखाई गई है, इसमें जो कॉर्पसल्स हैं मेसनर कॉर्पसल्स, इनके अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो ट्विस्टेड हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो ये ट्विस्टेड हैं और फिर ये नॉब की शक्ल बना रही हैं। ये भी टच रिसेप्टर्स ही की एक टाइप है। इसी तरीके से पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं, ये बॉडी की डीप स्किन में मौजूद होते हैं और ये वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं, डीप प्रेशर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और ये भी इनकैप्सुलेटेड हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज़ द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन। स्किन के अंदर जो अबंडेंस है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट रिसेप्टर्स की। जैसे कि अगर हम रिलेटिव अबंडेंस देखें तो पेन रिसेप्टर्स 27 टाइम्स ज़्यादा अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रिसेप्टर्स, और इसी तरीके से कोल्ड रिसेप्टर्स 10 टाइम्स ज़्यादा अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू द हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर्स। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी है। जैसे टच रिसेप्टर्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और जो बैक की स्किन है वहाँ पे कम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से बॉडी का कैसा फंक्शन है और वहाँ पर किस टाइप की जो रिसेप्टर्स या नर्व एंडिंग्स हैं वो मौजूद होती हैं।
नेक्स्ट इज़ द वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, किस तरीके से सेंसरी रिसेप्टर्स अपना काम करते हैं। स्टिमुलस सबसे पहले रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे और वो रिसेप्टर कोई भी सेंसरी एंडिंग्स हो सकती हैं किसी भी न्यूरॉन की, और उसके बाद वो जो इम्पल्स है या वो जो रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया है वो इम्पल्स की शक्ल में मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचाया जाता है वाई इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन। और ये जो इंटर ये एसोसिएटिव न्यूरॉन है ये ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसके अंदर मौजूद होती हैं, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इनके पास सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज लेकर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और फिर ये आगे से रिस्पॉन्स शो करने के लिए फैक्टर्स को पहुंचाते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो फिर मैसेज वापस लेकर आएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर को देंगी। इफेक्टर जो है वो कोई भी मसल हो सकता है, स्केलेटल मसल, या वो कोई ग्लैंड हो सकता है जो इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम का पढ़ने जा रहे हैं और वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व सेल्स इज एन इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल दैट कम्युनिकेट विद अदर सेल्स बाय स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस कॉल्ड सिनेप्सिस। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू इन ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजीज एंड प्रोटोजोआ। प्लांट्स एंड फंजाई डू नॉट हैव नर्व सेल्स। तो जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, हम आगे जाके इसका डिटेल में स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ये जो न्यूरॉन सेल है ये असल में नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, और ये जो न्यूरॉन है ये पूरे न्यूरॉन नर्व सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड कनेक्शन जिनको हम सिनेप्सिस कहते हैं, और इस तरीके से ये इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये स्पॉन्जेस और प्रोटोजोआ में मौजूद नहीं है, ना ही प्लांट और फंजाई में देखे जा सकते हैं। न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ हम आ जाते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी सेल बॉडी है जो मेन उसका पोर्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा डेंड्राइट्स हैं, ये वो एक्सटेंशंस हैं जो नेबरिंग सेल से मैसेजेस रिसीव करती हैं और सेल बॉडी को पहुंचाती हैं। इसके अलावा एक्सॉन है जो लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाती हैं और दूसरे सेल्स को मैसेजेस देती हैं। इसके अलावा इसके अंदर खास ग्रेन्यूल्स हैं जिनको निजल ग्रेन्यूल्स का नाम दिया जाता है, जो बेसिकली वो राइबोसोम्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटस भी मौजूद होता है सेल बॉडी के अंदर। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्सोप्लाज्म के अंदर, जो मतलब साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, उसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव जिसको हम इंटरमीडिएट या रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, और थर्ड है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली मैसेजेस लेकर आती है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और जो रिले या इंटर न्यूरॉन है वो उसको इंटरप्रेट करती है, प्रोसेस करती है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो वही जो इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन से मैसेज जो प्रोसेस हुआ था वो वापस लेकर आएगी और इफेक्टर्स को दे देगी। तो इस तरीके से इनका फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर हम कुछ शेप्स के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो शेप्स है वो वेरी करती है। इंटर न्यूरॉन की शेप्स जो हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट टू डायग्राम जो हैं न्यूरॉन की दिखाई गई हैं, ज़्यादातर इंटर न्यूरॉन इस शक्ल की होती हैं जिसमें डेंड्राइट जो हैं वो स्पाइनी लुक दे सकती हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा डेंड्राइट्स जो ऊपर की एक्सटेंशन हैं सेल बॉडी के ऊपर वो स्पाइनी लुक दे रही हैं। इसके साथ ही जो दूसरी आपको न्यूरॉन की शेप नज़र आ रही है उसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हुई है इस तरीके से कि वो पूरा एक दरख्त नज़र आ रहा है, ट्री लाइक अपीयरेंस आ रही है। उसके बाद हम मोटर न्यूरॉन की तरफ हम आ जाते हैं। मोटर न्यूरॉन के लॉन्ग एक्सॉन्स हैं जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, और ये कवर्ड हुई भी होती है माइलिन शीट से, इस वजह से माइलिनेटेड एक्सॉन होती है। ज़्यादातर माइलिनेटेड है लेकिन हमेशा माइलिनेटेड नहीं होती। ये मैसेज लेकर आ रही होती है, और मैसेज कहाँ से लेकर आ रही होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस किसको देती है, इफेक्टर्स को, जो मसल्स या कोई भी ग्लैंड हो सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ। ज़्यादातर सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर एक ही टाइप की फाइबर नज़र आ रही होती है, और अगर हम इस फाइबर को देखें तो ये ऊपर और नीचे दरमियान में आपको सेल बॉडी नज़र आ रही है, और इसके ऊपर भी सेम एक्सॉन नज़र आ रही है और नीचे भी एक्सॉन नज़र आ रही है। तो ये जो एक्सॉन है ये इसमें से एक जो है वो डेंड्राइट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जो ऊपर वाली एक्सॉन है जो पेरिफेरल ब्रांच कहलाती है ये मैसेज लेकर आ रही होती है रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर सेल से मैसेज लेकर आ रही है और सेल बॉडी को दे रही है। जो सेल बॉडी जिस के अंदर मौजूद होती है वो बेसिकली डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी उसको कहा जाता है,
उसके बाद ये मैसेज वापस इधर डॉर्सल रूट गैंग्लियन से आता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, तो इसको हम सेंट्रल ब्रांच का नाम देंगे। तो इस तरह ऊपर वाली जो ब्रांच है वो पेरिफ्रल है और नीचे सेंट्रल ब्रांच है। तो इसको जो पेरिफ्रल ब्रांच है उसको डेंड्राइट नहीं कहा जाता बल्कि उसको डेंड्रॉन कहते हैं। तो ये दोनों जो ब्रांचेस हैं वो एक्सॉन की तरह अपीयरेंस दे रही होती हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज़ द न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स। तो ये जो ग्लिया और ग्लायल सेल्स हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो इनका इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो होम्योस्टेसिस में है, मतलब ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं, माइलिन शीत बना रहे होते हैं न्यूरॉन की एक्सॉन के गिर्द, और इसी तरीके से ये उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं। लास्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का वो है फैक्टर्स। दीज आर द स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग वाया मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो इम्पल्स लेकर आ रही हैं वो फैक्टर्स को देती हैं। फैक्टर्स प्रिंसिपली हमारे पास दो हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं जो सिक्रीट करेंगे और रिस्पॉन्स शो करेंगे, या मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। हम स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क। बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे और पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और इसमें जो स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है वो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की तरफ जाती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद हैं। मतलब ये कि वो ब्रेन तक नहीं जा रही, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर एक्ट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स हैं वो प्रोसेस होंगे और फिर मोटर न्यूरॉन्स उन सिग्नल्स या इम्पल्सेस को वापस लेकर जाएंगे और इफेक्टर्स को देंगे जो रिस्पॉन्स शो करेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट आर इट्स स्टेप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टच रिसेप्टर इन स्किन, जिसमें आप डिफरेंट नर्व एंडिंग्स जो हैं टच रिसेप्टर्स की उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी, और इसमें जो टच रिसेप्टर्स है मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, नोसाई रिसेप्टर्स, इनका जिक्र किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट आर मेज़नर कॉर्पसेस, तो ये भी अलग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।